तो अभी सुबह सुबह गया था भाई मैं साइमन की दुकान पर। एक्चुअली मैंने ही साइमन से कहा था कि कोई भाई बढ़िया सी गाड़ी वाड़ी आए तो मुझे बुलाइए जरूर। भाई बुलाया था उसने, बट कोई ढंग की गाड़ी नहीं आई है यार। भाई कोई सी भी ढंग की गाड़ी नहीं है। एक स्पोर्ट्स कार लेकर आया था ब्लू कलर की, बट वो ओल्ड मॉडल पोर्शे लग रही थी भाई। फिर एक रेड कलर की भी गाड़ी थी, बट वो भी कुछ खास नहीं लग रही थी। बाकी उसके पास नॉर्मल जो लॉस सैंटोस में गाड़ियां घूमती रहती है वो सब गाड़ियां थी। इसलिए मैं आ गया उससे, कह के आया हूँ मैं कि भाई कोई बढ़िया सी एकदम अल्टीमेट हटके कोई गाड़ी मिले तब मुझे फोन करियो। फिलहाल आ चुके हैं घर पे एंड सुबह सुबह भाई साइमन मेरा बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया भाई उसने। लिटरली में भाई कोई ढंग की गाड़ी नहीं थी, पुरानी पोर्शे और अजीब सी गाड़ी दिखाने के लिए बुला लिया उसने सुबह सुबह। खैर जो भी हो, शिनचैन पिनचैन और चॉप को तो लगा कि मैं गाड़ी लेकर ही लौटूंगा। फिलहाल उन्हें क्या पता कि साइमन के पास कोई ढंग की गाड़ी नहीं है। एंड वेट, ये कौन भाई साहब हैं? शिनचैन पिनचैन चॉप का कोई दोस्त? अबे कितने सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे शिनचैन पिनचैन के दोस्त? नहीं नहीं दोस्त तो बिल्कुल नहीं लग रहे ये लोग, इनके हाथ में राइफल्स है भाई। कौन है ये? कौन है भाई? हेलो तू कौन है? यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार पता नहीं भाई कौन ही है ये। ओए लौंडे तू कौन है? बोलेगा कुछ? यार समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये। अबे कौन हो तुम लोग? अबे वेट ये क्या है? ओ तेरी, अरे भाई इनको तो लटका दिया यार लावा के ऊपर ही। ओ नो, अरे फेमिया कैसे हो यार? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोगों का ये हाल कैसे हो गया? अभी गया था तो सब कुछ ठीक था। अरे यार उससे पूछो इनके बॉस से। कौन है भाई इनका बॉस? इधर है क्या? मैं कल भी यार प्लीज हमें बचा ले भाई। हेलो सर आप हो इनके बॉस? हाँ यस बिल्कुल मैंने इन्हें टांगा है। अरे लेकिन सर क्यों, मैं तो आपको जानता भी नहीं, क्या क्या गलती क्या हो गई इनसे? गलती ना इनकी है ना तुम्हारी है। तो फिर गलती किसकी है? गलती किसी की भी नहीं है। अरे तो फिर छोड़ दो इन्हें प्लीज। अगर तुम इन्हें छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? तुम्हें लॉस सैंटोस के बीच पर होने वाला स्टंट चैलेंज जीतना होगा। क्या 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 जीतना होगा? लॉस सैंटोस के बीच पर जो स्टंट चैलेंज होने वाला है उसे जीतना है, और इसे जीतने के बाद जो प्राइज मिलेगा वो प्राइज लाकर जब तुम मुझे दोगे तब तुम शिनचैन पिनचैन और इस डॉगी को बचा सकते हो। डॉगी? अच्छा चॉप। भाई यार देख ले भाई मैं कब से समझा रहा हूँ कि मेरे को डॉगी मत बोलो भाई, चॉप बोलो, मानते ही नहीं है यार ये लोग। अरे सर लेकिन मैं कैसे जीत जाऊंगा रैम चैलेंज? मुझे पता चला है कि तुम स्टंट चैलेंज कंप्लीट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये हाल है। अगर तुम इन तीनों को बचाना चाहते हो तो जाओ स्टंट चैलेंज कंप्लीट करो और प्राइज लाकर मुझे दो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इन तीनों को लावा में गिरा दूंगा मैं, तीनों का खात्मा हो जाएगा। अरे सर लेकिन ऐसे कैसे कह दूं मैं जीत जाऊंगा रैम चैलेंज? बहुत ही मुश्किल है, काफी सारे लोगों ने भी तो ट्राई किया होगा, क्या पता वो लोग मेरे से पहले जीत जाए। बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं और कोई भी अभी तक इस चैलेंज को नहीं जीता है। अरे लेकिन इतने सारे लोगों ने अगर ट्राई किया है वो लोग नहीं जीते तो मैं कैसे जीत जाऊंगा? वो मुझे कुछ भी नहीं पता, चैलेंज जीतो पैसे लाओ और इन तीनों को बचा लो वरना ये तीनों तो आज गए। अरे यार, अरे फेमिया प्लीज बचा लो यार हमें। अरे बचाने को तो बचा लूंगा लेकिन चैलेंज कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं यार, चैलेंज मैं कैसे कंप्लीट करूं? भाई साहब यार कल भाई करना तो पड़ेगा यार वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं भाई। अरे यार लावा है, लावा में गिर जाएंगे ये लोग अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो। लेकिन चैलेंज पता नहीं क्या है, करना क्या है सर उस चैलेंज के अंदर? वो तुम्हें मेरे आदमी बता देंगे, स्टंट चैलेंज के पास ही मिल जाएंगे। अब जल्दी से जाओ, देर मत करो। ठीक है जाता हूँ मैं। ओ भाई यार समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों की खोपड़ी उड़ा के शिनचैन पिनचैन और चॉप को बचा लूँ क्या? लेकिन पता चला खोपड़ी उड़ाने गया ठीक है और इन लोगों ने शिनचैन पिनचैन और चॉप तीनों को ही लावा के अंदर गिरा दिया तो। नहीं नहीं गाइस मैं ऐसे ही डायरेक्टली कोई रिस्क नहीं ले सकता। एक काम करता हूँ मैं, प्राइज मनी जीत के जब इसे प्राइज दे दूंगा तब तो ये शिनचैन पिनचैन और चॉप को छोड़ ही देगा भाई। जब ये छोड़ देगा उन्हें तब मैं इनके ऊपर अटैक कर दूंगा। यस छोड़ूंगा तो नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, बट अभी सबसे पहले मुझे बीच पे होने वाले चैलेंज को जीतना होगा एंड देन उसके बाद ये लोग शिनचैन पिनचैन को छोड़ेंगे। भाई साहब तीनों के तीनों जस्ट लावा के ऊपर लटक रहे हैं यार, अगर आज चैलेंज नहीं कम्प्लीट हुआ तो ये तीनों लावा में गिर जाएंगे। नहीं 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 चैलेंज तो कंप्लीट करना है। मैं चला भाई, इसने कहा है इसका एक बंदा है वहीं पर वो मुझे बता देगा चैलेंज किस तरीके से है। ठीक है लेट्स गो गाइस, लेट्स गो भाई, कुछ भी करके उस चैलेंज को कंप्लीट करना ही पड़ेगा एंड शिनचैन पिनचैन और चॉप को बचाना ही पड़ेगा, कुछ भी करके बचाना तो पड़ेगा भाई।
चलो 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 फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के बीच की तरफ एंड देखते हैं कैसा है स्टंट चैलेंज। अबे यार अच्छा खासा संडे का दिन था, मैंने सोचा था भाई चलो साइमन के यहाँ से कोई बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी उसे लेकर मस्त लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे मिलके हम लोग, लेकिन ना ही साइमन के यहाँ से कोई गाड़ी मिली, यहाँ शिनचैन पिनचैन चौप अलग ही फंस गए। क्या ही हो रहा है अपने संग आज ये। खैर अब जो भी हो मैं चलता हूँ बीच की तरफ गाइस, चैलेंज तो कंप्लीट करके ही रहना है अब चाहे कुछ भी हो जाए। ओ वहाँ बीच पे कुछ नज़र तो आ रहा है, एक सेकेंड, चैलेंज बीच पे ही है ना भाई शायद, चैलेंज का रैंप नज़र आ रहा है मे बी हो सकता है। यस यस भाई वो चैलेंज का रैंप ही है, वो ये तो बड़ा सा चैलेंज लग रहा है यार, कितना बड़ा रैंप है। चलो इस पेयर के ऊपर चलते हैं, वैसे भी उस बंदे का बंदा हमें मिलने वाला है वो हमें अच्छी तरीके से बता देगा इस चैलेंज का क्या सीन है। अबे यार कहाँ फंस गया संडे के दिन में, कहाँ है वो बंदा, कैसे ढूंढूंगा मैं। एक सेकेंड, उसके बंदों के कैसे कपड़े थे, ब्लैक कलर के कपड़े थे, ब्लैक कलर के कपड़े वाले हैं यहाँ पर कोई भी, एक बंदा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन के पास। हेलो भाई। ओ तो तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है क्या, तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आए हो। हाँ मेरा ही नाम फ्रैंकलिन है भाई, तुम्हारे बॉस ने शिनचैन पिनचैन और चॉप को पकड़ रखा है। बिल्कुल सही गेस किया, और अगर तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो सिंपली कंप्लीट करो इस चैलेंज को। पता है मुझे, इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे। अब पहले ये बता क्या है ये चैलेंज, क्या करना है इसमें। देखो चैलेंज बहुत सिंपल सा है, तुम्हें कोई भी एक गाड़ी लेनी है। ओके गाड़ी को लेकर यहाँ से स्टार्ट करना है एंड गाड़ी को लेकर आगे चलते चले जाना है। ओके उसके बाद गाड़ी से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है एंड बढ़ते ही जाना है एंड बस बढ़ते ही जाना है। अरे कितना लंबा रैम चैलेंज है ये, बहुत ही लंबा चौड़ा रैम चैलेंज है एंड एंड में पहुंचोगे तुम इस फिनिश लाइन के पास, तुम्हें बस इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाना है, अगर लैंड कर गए बस वहीं पे चैलेंज खत्म हो जाएगा एंड तुम इस चैलेंज को जीत जाओगे। और रास्ते में गिर गया तो मैं, तो तुम्हें अपनी गाड़ी को चेंज करना होगा। मतलब एग्जैक्ट वही गाड़ी लेके नहीं जा सकता मैं। नहीं तुम्हें किसी दूसरी ही कंपनी की किसी दूसरे ही मॉडल की गाड़ी को लेकर जाना होगा एंड देन दोबारा से शुरू करना होगा। अरे भाई ये तो काफी मुश्किल पड़ेगा फिर। यही है चैलेंज के रूल्स। और इस चैलेंज के जीतने वाले को क्या मिलेगा भाई, वो तो तुम्हें जीतने के बाद ही पता चलेगा तुम्हारा प्राइस क्या है। अबे यार ठीक है मैं जा रहा हूँ। बाइक नहीं तो गाड़ी से कंप्लीट करना है इस चैलेंज को तुम्हें। अबे यार हद होती है, गाड़ी से कैसे होगा ये, गाड़ी से तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तभी तो खतरनाक चैलेंज है, अगर शिनचैन पिनचैन और चॉप को बचाना है तो कंप्लीट करो इस चैलेंज को। अरे यार कहाँ फंस गया। अबे यार भाई सीरियसली मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मन तो कर रहा है अभी जाके एक मशीन गन खरीदूं और लेके भाई ताबड़तोड़ गोलियां चला दूं अपने घर पे, लेकिन फिर वही है यार वो शिनचैन पिनचैन और चॉप तीनों लावा में गिर जाएंगे एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक यार वो लोग लावा के ऊपर लटक रहे हैं तब तक तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, जैसे ये बंदे भाई हटाएंगे उन्हें लावा के पास से तब देखना भाई तबाही मचा दूंगा मैं तबाही। फिलहाल तो अभी चलते हैं कोई गाड़ी वाड़ी ढूंढते हैं यार जिससे मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने की शुरुआत करूं। एक गाड़ी दिख तो रही है ब्लू कलर की, ओ यस ये बढ़िया है। अरे हाँ ये बढ़िया है, इसके पहिए वगैरह भी ठीक है। चलो भाई अच्छी खासी गाड़ी है, सस्पेंशन वस्पेंशन भी तगड़ा होगा, लेकर चलते हैं इसे एंड कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अरे यार पता नहीं क्या होगा भाई, डर सा लग रहा है। डर क्या, अगर ये गाड़ी गिर गई तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ेगी मुझे। अबे अटक गई कैसे ये। चलो भाई रेडी, फर्स्ट ट्राई फर्स्ट कार, देखते हैं क्या होता है। अरे हट जाओ सामने से हट जाओ, मोटी सी मैडम साइड हट जाओ प्लीज। ओके लेट्स स्टार्ट दिस। बर्गर है ये बर्गर, चॉप यहाँ होता तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यार बर्गर देख के, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं चॉप और शिनचैन पिनचैन को बचाने के लिए ही तो कर रहा हूँ यार। पता नहीं वो बंदे आए कहाँ से, उनको कैसे पता चल गया कि मैं रैम चैलेंज में स्पेशलिस्ट हूँ भाई। यस गाइस ये बात भाई काफ़ी कम लोगों को ही पता है। पता नहीं गाइस जो भी हो, फिलहाल यहाँ पर पहली गाड़ी जो है बहुत ही बढ़िया किया इसने, बर्गर्स के ऊपर से तो मैं आ गया। देखो भाई सिंपल सा रूल है इस चैलेंज का, अगर एक भी बार ये गाड़ी पानी में गिरती है तो मैं इस गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकता, इस गाड़ी का इस मॉडल की गाड़ी का यूज़ ही नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरी ही गाड़ी लानी पड़ेगी जो इसके जैसी बिल्कुल भी ना दिखती हो, समझ रहे हो तुम लोग कहने का मतलब। इसीलिए बहुत ही संभाल के मुझे आगे बढ़ना होगा एंड देखते हैं क्या सीन होता है। प्लीज़ गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं। ओके नाइस ओके चलो भाई। ओ भाई ये क्या है, यहाँ तक तो जैसे तैसे हो भी गया, ये क्या है।
अब इसके ऊपर कैसे चढ़ाऊं मैं? ओ नो, इसके ऊपर तो पहिया ही नहीं चढ़ रहा भाई। अरे नहीं, ग्रिप ही नहीं मिल रही है भाई ये। एक सेकंड, इस वाले प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है क्या किसी तरीके से? एक सेकंड, उल्टा चढ़ाऊं? उल्टा यहाँ तक तो देखो गाइस बिना किसी प्रॉब्लम के आ गया मैं, लेकिन यहाँ पे ओ यस, उल्टा चढ़ाना था भाई। अब यहाँ पर संभाल के नीचे लेकर चलते हैं, संभाल के। ओके नो नो नो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है गाइस। ओके इसी के साथ मुझे फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा उल्टा। कम ऑन, ओ नो 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 नो, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, नहीं नहीं, मेरी पहली गाड़ी गई। अबे यार भाई, कितना बढ़िया कर रहा था मैं यार, भाई गिर गई पहली गाड़ी। अब इस गाड़ी को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ना इसके जैसी दिखने वाली कोई और गाड़ी का यूज़ कर सकता हूँ। अब दूसरी गाड़ी ढूंढ के लानी पड़ेगी भाई। चलो बढ़िया गाड़ी थी भाई, बढ़िया परफॉर्म कर रही थी ये, कोई बात नहीं, चलते हैं कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ के लाते हैं। स्पार्किंग में आया था मैं कोई बढ़िया सी गाड़ी ढूंढने के लिए। फ़िलहाल अभी कुछ देर पहले बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बट अभी फ़िलहाल बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं। बट एक ये जो देख रहे हो तुम लोग SUV, कैनिस नाम है इसका, बढ़िया लग रही है। तो मैं क्या सोच रहा था भाई, इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि सुपर कार या फिर स्पोर्ट्स कार से तो ठीक ही है ये, इसलिए चलो भाई। ऐसे वाले स्टंट चैलेंजेस पे वो गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हैं जो ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, जिनके बड़े बड़े टायर्स हैं, ग्रिप अच्छी है, कुल मिला के ऑफ रोडिंग कार्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। फिलहाल अब देखते हैं इस गाड़ी से क्या होता है, लेट्स गो। ओके बर्गर्स पे तो बढ़िया चढ़ रही है भाई ये गाड़ी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अभी तक तो। ओके आराम से, ओके नाइस, बढ़िया चढ़ रही है गाइस गाड़ी वाली, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, नाइस। चलो भाई यहाँ तक पहुँच गया मैं। अबे यार ये तो मुझे लगता है अभी चैलेंज का 5% भी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके ये अभी तो वो सब पता नहीं आगे जाके क्या क्या आने वाला है यार। तुम लोग एक काम करो भाई, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। यस गाइस, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग आज शिनचैन पिनचैन और चॉप तीनों को लावा में गिरने से बचा सकें। ओके यहाँ पर मैं पिछली बार उल्टा चढ़ा रहा था गाड़ी को, रुक जाओ इस बार सीधा चढ़ाते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को ऐसे घुमाते हैं ऐसे करके, एंड किसी तरीके से घूम सकती है क्या ये गाड़ी? ओ नो यार, घुमाना काफ़ी मुश्किल है इस गाड़ी को, बट इम्पॉसिबल नहीं। लेट मी ट्राई वंस अगेन, कुछ इस तरीके से एंड देन कुछ इस तरीके से। यस गाड़ी तो घूम गई इधर, एंड देन अब इसे घुमाना है एंड देन, बहुत ही बढ़िया, यस बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने गाड़ी घुमा दी है भाई। अब सीधा सीधा चढ़ाते हैं, चलो कम ऑन, चढ़ गई चढ़ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गाइस। अरे वाह भाई वाह, क्या गाड़ी परफॉर्म कर रही है। नहीं नहीं ज़्यादा खुश नहीं होना, यहीं पर मैं लास्ट टाइम गिरा था, इस बार नहीं गिरूंगा, इस बार नहीं। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चढ़ जा आराम से। अब मुझे राइट साइड में मोड़ना है गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ। ओके लेट्स गो, लेट्स गो भाई। ओ भाई मुझे ही पता है कितनी मुश्किलों से मैं पहुँचा हूँ, ये क्या आ गया इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स। ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है भाई, एक्सेप्शनल कार है ये तो। कौन सी गाड़ी है ये पता नहीं, कैनिस, हाँ कैनिस नाम था। नहीं गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, नहीं 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 नहीं। अबे यार भाई कोई बात होती है ये, कोई बात होती है ये, अरे क्या हो रहा है यार ये भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी थी पता नहीं कैसे फिसल रही है यार, कोई अच्छी ग्रिप वाली गाड़ी चाहिए। दो गाड़ियाँ मेरी वेस्ट हो चुकी है, थोड़ा सा ही आगे पहुँचा हूँ मैं अभी तक। अभी वो बियर वाली बॉटल्स को क्लियर करने के बाद पता नहीं आगे क्या है, उनको ही अभी तक क्लियर नहीं कर पाया मैं। चलो गाइस को दूसरी ढंग की गाड़ी ढूंढ के लाते हैं फटाफट। इन लाइफ गार्ड वालों के पास भी ये जो व्हीकल है बहुत ही अच्छी ऑफ रोडिंग होती है इससे। सॉरी लाइफ गार्ड वालों भाइयों, बट मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरे तीन दोस्तों की जान खतरे में, उनकी जान बचाने के लिए। और वैसे भी तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ही है लाइफ गार्ड, तो लाइफ को गार्ड ही कर रहा हूँ मैं भी एक तरीके से, इसलिए थैंक यू फॉर द कार। एंड देखते हैं गाइज ये इतनी बड़ी वाली SUV क्या कमाल कर पाती है। ओ नो, पिछली वाली गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी यार, सीरियसली मैं मुझे तो लगा था शायद मैं उससे पूरा चैलेंज क्लियर कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो इससे ट्राई करते हैं। ओके हटो भाई हटो, बर्गर्स चढ़ जाएगी ये गाड़ी? यस बर्गर्स तो चढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है यार बर्गर्स चढ़ते वक्त, ये देखो। ओके थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है गाड़ी ज़रूर, बट चढ़ रही है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, ये सारे पार्ट क्लियर करके तुम्हें आगे मिलता हूँ भाई। चलो भाई गाड़ी को घुमा भी लिया है एंड अभी इस पर चढ़ाते हैं। चढ़ बहुत ही बढ़िया एंड हियर वी गो,
नेक्स्ट पार्ट। चलो चल मेरी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर संभाल के, यहाँ पर आराम से आराम से। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जल्दबाजी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ ओ क्या हो गया, ओ कैसे गाड़ी झूल रही है भाई। ओ प्लीज सेव हो जा, प्लीज सेव, प्लीज सेव, लेट मी डू दिस प्लीज। ओ नो गाइस, ओ भाई, ओ भाई, ओ नो, ओ नो 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 नो, प्लीज प्लीज। ओ ओ भाई क्या बचाई है मैंने ये गाड़ी, गिरते गिरते भाई दो पहिए एक पहिए हवा में झूल रहा था। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, बचा ली भाई गाड़ी नीचे गिरने से। ओके अब यहीं पर मैं लास्ट टाइम पूरा फिसल गया था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, बैलेंस करते हुए गाड़ी को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा एपिक, एटलीस्ट इस बार मैं वहां तक तो पहुंच ही जाऊं। चलो भाई ये बियर बॉटल्स क्लियर करते हैं फटाफट, संभाल के आराम से प्लीज, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं। ओके बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर अभी गाड़ी को घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गाड़ी को घुमाते हैं एंड देन वी विल डू दिस। ओके सिंपली कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट मी हैव दिस। ओके 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 बहुत ही बढ़िया। ओके यहाँ तक पहुँच गए हैं भाई, अभी तक तो बढ़िया जा रहा हूँ मैं, ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया साथ दे रही है भाई लाइफ गार्ड वालों की। एंड हियर वी गो। ओके नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, ओ भाई एक पल को तो लगा गिर गई है, बट जैसे तैसे बची गई। एंड ये आ चुके हैं फाइनली हम लोग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, अब एक छोटी सी जंप लगानी है एंड उस बर्गर पे पहुँचना है। ओहो ये छोटी मोटी जंप्स भी कितनी डरावनी लग रही हैं यार, हालत खराब हो रही है मेरी। ओके तो चलो फिर भी चलते हैं, ज्यादा बड़ी जंप नहीं, बस 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बहुत ही बढ़िया जंप, क्या बात है यार, क्या बात है भाई, ये गाड़ी कितनी आगे तक पहुंच गई है। इसी बात पे लाइक बनता है यार, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो अभी के अभी, लाइक बनता है इस बात पे। तो क्या बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये गाड़ी। नो लो भाई हो गई प्रॉब्लम, यहाँ ये नहीं चढ़ रही है ऊपर, ये हाइट इतनी ज्यादा ही है भाई इस चिप्स की। ओह चिप्स की कैन है भाई ये, ओह नो, थोड़ी थोड़ी स्पीड चाहिए, मे बी थोड़ा आगे वाला पार्ट ऐसे उछले तो काम हो जाएगा अपना। चलो यस 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 यस, चल चल मेरी गाड़ी बहुत ही बढ़िया, नहीं गिरना नहीं है। अबे यार भाई बड़ी मुश्किल से पहुंचा था मैं। ओहो गुस्सा आ रही है, तीसरी गाड़ी भी अपनी डूब गई, बट इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस गाड़ी ने लिटरली में गाइस अभी तक सारी गाड़ियों को बीट कर दिया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकर आते हैं कोई नेक्स्ट कार जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे अच्छी हो एंड जिससे हम लोग आगे पहुंच सके। चलो भाई ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी गाड़ी, मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे भी पार्किंग है ना भाई बीच की, वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, देखते हैं। यस गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं यार, एक हमर भी नज़र आ रही है, एक ये भी नज़र आ रही है भाई। एक काम करते हैं पहले इसको लेकर चलते हैं, फिर इसके बाद हमर से ट्राई करेंगे अगर नहीं हुआ तो। चलो चलो हमर भी वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है भाई, वो भी स्टंट चैलेंज काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। फिलहाल इस गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है बट इसके टायर वगैरह देख के लग रहा है ग्रिप बहुत ही अच्छी होने वाली है इस कार की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो भाई चलो, हियर वी गो। सबसे पहले ये बर्गर वाला पार्ट, ये तो सब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर करके मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। और अब भाई क्या गाड़ी चल रही है ये, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, आराम से। चलो 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 नाइस, यहाँ तक पहुँच गए एंड देन आराम से, बहुत ही बढ़िया। एंड अभी ये बियर वाली बॉटल्स, लेट मी क्लियर दिस, कम ऑन, आराम से चिल करते हुए गाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। एंड बियर वाली बॉटल्स क्लियर, आ चुके हैं इस वाली जगह पर। ये मिनी रैंप, छोटी सी हाइट, छोटी सी जंप, क्यूट सी लिटिल जंप, एंड हियर वी गो। फाइनली आ चुके हैं गाइस उस वाले पार्ट पे जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी गाड़ी गिरी थी, देखना ये है क्या ये गाड़ी इसको जंप कर पाती है। यस 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 भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया यार, पहुँच गई ये गाड़ी, पहुँच गई। ओके छोटी सी जंप, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्पीड नहीं, बहुत ही बढ़िया। ओके ये गाड़ी भाई एकदम ही अलग ही परफॉर्मेंस दे रही है। और ये कुछ कोल्ड ड्रिंक की कैंस है, इनको तो भाई इस गाड़ी ने ऐसे क्लियर किया जैसे कुछ था ही नहीं है। एंड इसी के साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यार। ओ वाओ भाई फिनिश लाइन के तो काफ़ी क्लोज, नहीं पहुंचा हूं अभी मैं, ये सब है अभी भाई, एक पल को लगा नहीं वो तो रही फिनिश लाइन, बट ऐसे वहां पर पास है लेकिन मुझे ऐसे जाना है यार। ओके ओके चलो भाई करते हैं, प्लीज़ 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 आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ ना तभी प्रॉब्लम हो जाती है सारी, मुझे बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के आराम से चीज़ें करनी होंगी। अब देखो इस वाले रैंप से मुझे इस येलो वाले पे ट्रांसफ़र करना है अपनी गाड़ी को, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, बट अगर मैं सावधानी के साथ आराम से करूँ तो ये चीज़ बिल्कुल ही प्यार से हो जाएगी कुछ इस तरीके से। एंड अभी सीधे चलते हैं,
यहाँ से अभी देखो येलो वाले से रेड वाले पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि देखो काफी वंस अगेन मुश्किल चीज है, बट अगर मैं काफी प्यार से आराम से करूँ ये चीज तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी ये चीज। ओके बहुत ही बढ़िया यार। ओ नहीं नहीं नहीं, आराम से बस बस बस, अब यहाँ से देखो ग्रीन वाले प्लेटफॉर्म पे करना है, चलो आराम से। ओ नो 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 नो, नहीं नहीं, रुक जा नहीं, ओ शिट, गई गाड़ी। अबे यार भाई, गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी भाई, अरे एंड मोमेंट पे आके भाई गाड़ी का पोपट हो गया, वो चढ़ ही नहीं पाए पिछले तीन पहिए, मतलब तीन क्या, पिछले दो पहिए एंड आगे वाला एक पहिया, चढ़ ही नहीं पाया उस प्लेटफॉर्म को, वरना ग्रिप तो बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की, बट प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं पाया। अबे यार गुस्सा आ रही है मुझे, अब क्या करूं मैं। हमर लेकर आते हैं, हमर पे अब देखते हैं गाइस क्या सीन होता है, बट इस गाड़ी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, अगर मैं दोबारा यूज़ कर सकता तो मैं इस गाड़ी को डेफिनेटली यूज़ करता है यार, बट चैलेंज ही यही है कि एक बार अगर कोई गाड़ी पानी में गई दोबारा हम लोग उस गाड़ी को या उस जैसी दिखने वाली किसी और गाड़ी को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकर आते हैं हमर। मैं भाई जब हमर लेने के लिए आया तब मैं डर रहा था कि भाई हमर वाला बंदा कहीं अपनी हमर लेके जा ना चुका हो, बट यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी सारे बंदे लेके जा चुके हैं, बट हमर वाला बंदा नहीं लेके गया है, लगता है वो बंदा यार मेरे लिए अपनी गाड़ी छोड़ के चला गया। खैर जो भी हो, थैंक्स बड़ी, जिसकी भी गाड़ी हो ये थैंक यू अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ने के लिए। एंड अब देखते हैं गाइस हमर की परफॉर्मेंस कैसी है, आई होप हमर तबाही मचा दे, कमाल कर दे, एंड इस चैलेंज को मैं अभी कभी कंप्लीट कर दूं, ताकि शिनचैन पिनचैन एंड चॉप को मैं अभी कभी बचा दूं भाई। देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। बर्गर वाला पार्ट जो कि अब काफ़ी आसान लग रहा है, शुरुआत में तो भाई यही पार्ट मुझे मुश्किल लग रहा था, ये नंबर प्लेट वाला पार्ट हमर के लिए कुछ भी नहीं है, चलो भाई आराम से हो जाएगा सब कुछ। हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है मोड़ने में। नो 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 नो, वापस लो। ओ भाई क्या सही टाइम पे गाड़ी वापस ले ली, वरना नीचे ही जाता। यहाँ पर इस तरीके से मोड़ते हुए मोड़ना है भाई गाड़ी को। हो बच गए, चलो चलो चलो, ये बियर वाली बॉटल्स ये तो सब हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक मिनी जंप लगानी है, छोटी सी जंप, कोई ज़्यादा बड़ी जंप नहीं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। ओके एंड यहाँ पर से इधर जाना है, एंड यहाँ से इस बड़ी वाले चिप्स के कैन पे से इधर दूसरे चिप्स के कैन पे, एंड यहाँ। ओके नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया हमर, ज़्यादा आगे नहीं। ओ बच गए बच गए बच गए बच गए भाई, एक पल को तो लगा गई हमर, बट बच गई बच गई बच गई आराम से। ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके ये तो हो जाएगा, ये कोल्ड ड्रिंक वाली कैन आराम से, हमर के लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर। ओके तुम लोगों ने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, हम लोग जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले हैं यार, मैं यस आराम से कंप्लीट कर दूंगा इस चैलेंज को, बस अगर गलतियां करना बंद कर दूं तो मैं। ओके चलो भाई लाइट के ऊपर से, एंड ये इसी पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में स्पेसिफिकली नहीं, वहां पर मैं गिरा था, बट अब इस पार्ट को बहुत ही संभाल के एंड सावधानी के साथ करना होगा। ट्रांसफर की बारी है, लेट्स ट्रांसफर दिस कार। ओके नाइस नाइस, आराम से सारे पहिए जब तक चढ़ते नहीं है भाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब तक मुझे गाड़ी को एक्सलेट करते रहना है, जब सारे पहिए चढ़ जाए तब एक्सलेशन लो कर देना है, समझ गए तुम लोग। अब जैसे यहाँ पर मुझे पहले चारों पहिए को चढ़ने का इंतजार करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से, एंड देन एक्सलेट, बहुत ही बढ़िया। ओके हम लोग फाइनली उस पार्ट पे पहुंच गए जहां पर लास्ट टाइम मैं गिर गया था, इस बार नहीं गिरना है, इस बार नहीं गिरना, बिल्कुल भी नहीं गिरना है, संभाल के चलो 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 चलो। ओके ओके चारों आ गए चारों पहिए इसके, वो फाइनल है क्या ये? यस ये पिंक वाला फाइनल है, नहीं ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। हाँ से लेट मी ट्रांसफ़र दिस। ओ नो 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 नो, गया मैं, गया यार, गया भाई गया। ओहो यार ये बहुत ही मुश्किल है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, हमर ने भाई धोखा दे दिया एंड में आके। फिलहाल हमर ने धोखा नहीं दिया भाई, गलती मेरी थी, वो गाड़ी चढ़ ही नहीं पाई भाई, ये सच बता रही हूँ, जो ट्रांसफ़र वाला चीज़ है ना भाई सबसे मुश्किल है पूरे के पूरे इस रैम चैलेंज में, बट स्टिल आई विल डू दिस भाई, मैं करके तो रहूँगा, बट अब नेक्स्ट गाड़ी कहाँ से जुगाड़ करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। इधर बीच पे से तो सारी जितनी भी ऑफ रोडिंग कार्स थी सारी कार्स ख़त्म हो गई है, सब कुछ क्लियर कर लिया, बस यहाँ से अब क्लियर करके बस वो बड़े बड़े से ये प्लेटफॉर्म से सर्कुलर से इनको क्लियर करके बस फिनिश लाइन है अपनी, वो फिनिश लाइन वाला टारगेट। हो गाड़ी कहाँ से लाऊँ अब मैं, चलो ढूंढते हैं। ये रही मेरी बाइक,
तुम लोग सोच रहे हो बाइक क्यों उठा रहा हूँ मैं, बाइक से थोड़ा करना है। यस आई नो, मैंने बाइक इसलिए उठाई है ताकि मैं जल्दी से कोई गाड़ी ढूंढ सकूँ। गाड़ी नहीं मिल रही है भाई, एक पीछे ट्रैक्टर दिखा था बट उसे देख के लग रहा है ट्रैक्टर से कंप्लीट करूँ मैं। नहीं नहीं यार, ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पर कोई ऑफ रोड कार ही नहीं है। हमर पानी में गिर चुकी है तो इसका मतलब हमर का मैं यूज़ भी नहीं कर सकता अब। ये कौन सी गाड़ी है भाई, डिफेंडर रेंज रोवर कौन सी है, ये पुरानी वाली रेंज रोवर लग रही है। ओके, कोई बढ़िया सी ऑफ रोड कार नहीं है यार। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज एंड साथ ही साथ जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जो कि अच्छी तरीके से रैम चैलेंजेस कर सके। कोई गाड़ी नहीं मिल रही भाई, स्पोर्ट्स कार सुपर कार नज़र आ रही है सड़कों पे। अरे कोई बढ़िया सी SUV लेके घूम रहा है क्या। इधर की पार्किंग में देखते हैं, हटना भाइयों, इधर की पार्किंग में बाइक है, गाड़ियाँ हैं एंड कोई ऑफ रोड व्हीकल दो तीन है यहाँ पे। ये बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी, ग्रिप तो सही लग रही है इस गाड़ी की, व्हील्स वगैरह देखो, ग्रिप तो अच्छी लग रही है यार। ये लेके निकल लूँ क्या, आवाज़ कैसी है इसकी, पुराने मॉडल की बाइक जैसी। क्या लगता है ये गाड़ी तो भाई मजा सकती है रैंप पे। गाड़ी तो भाई बहुत यूनिक है यार, ट्राई करते हैं, अब ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। चलो लेट्स गो गाइस, ट्राई करते हैं इस वाली गाड़ी से। होप कि एटलीस्ट इस गाड़ी से मैं फिनिश लाइन तक पहुंच पाऊं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे को फिनिश लाइन तक पहुंचना है, पहुंचने दो यार, प्लीज़ पहुंचने दो। लेट्स गो, हट जाओ भाई सामने से, बर्गर वाला पार्ट। ओके, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बर्गर वाला पार्ट हो गया क्लियर, ये वाला पार्ट भी हो गया चलो क्लियर जैसे तैसे। भाई गाड़ी का जो फ्रंट है ना भाई, इसके आगे ये कुछ आगे कुछ ऐसा भाई अजीबो गरीब सा पार्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह से भाई गाड़ी का आगे वाला हिस्सा थोड़ा ठुक रहा है कहीं पे भी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है भाई इस गाड़ी के साथ। पता नहीं आगे क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है इस गाड़ी की। चलो बियर वाला हो गया, मिनी जंप, और अब भाई साहब मिनी जंप भी बड़ी मुश्किल से लगी इससे तो। क्या है ये गाड़ी, समझ में नहीं आ रहा बढ़िया है कि बेकार है। ये चिप्स वाले पार्ट पे अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध एंड पानी का पानी। ओ चढ़ गई भाई ये तो आराम से, भाई आराम से चढ़ गई है तो। बस सीन ही समझ में नहीं आ रहा है यार इस गाड़ी का, कैसी गाड़ी है ये। चलो आगे देखते हैं, वो जब ट्रांसफ़र वाले चैलेंज पे पहुंचेंगे वहां पता चलेगा सब कुछ, असलियत पता चलेगी इस गाड़ी की। अभी तो फ़िलहाल आगे चलते हैं। नाइस एंड देन फाइनली आ गए ट्रांसफ़र वाले पार्ट पे। चलो क्या कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे होगी इस गाड़ी की रियल टेस्टिंग। एंड हियर वी गो। और वाह भाई क्या बात है भाई, गाड़ी ने तबाही मचा दी अल्टीमेट। ओके यहाँ पे भी क्या बात है भाई, अरे गाड़ी तो बढ़िया जा रही है यार। प्लीज़ ये वाला पार्ट आराम से हो जा भाई, प्लीज़। ओके नाइस, क्या बात है। अरे यार ये गाड़ी तो एकदम ही प्रोफेशनल बेस्ट लग रही है भाई। ये देखो क्या आराम से ये पार्ट क्लियर कर रही है भाई, ये सारी की सारे पार्ट। ये गाड़ी अगर सोचो मुझे शुरुआत में मिल गई होती मज़ा ही आ जाता। ओके ये हो गया एंड यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ ये कैंस है स्प्रंक कोल्ड ड्रिंक की, इनको सिंपली क्लियर करना है। अब क्या है ये बच्चों वाली चीज़ है मेरे सामने, वो नो आग आ गई फिर से, बट आग से डरता कौन है। चलो बिंदास आगे बढ़ते चलो। ये क्या है, अरे ये क्या फेंक दिया भाई एंड में, बिल्कुल ही लूजर्स वाली चीज़ है ये तो। ये तो आराम से हो रही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे तो, आराम से। एंड हियर वी विल गो, नाइस एंड नाइस जंप। ओ नो, यस लेट्स गो। और इसी के साथ फाइनली हम लोगों ने इस चैलेंज को कर दिया है कंप्लीट, और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा भाई कैसे कर दिया मैंने ये, वो भी हेलमेट पहन के। ओ भाई अब मिलेगा प्राइस, चैलेंज हो गया कंप्लीट, मज़े। भाई ये चैलेंज इतना मुश्किल था, तुम लोग इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के मुझे पूरे 50 करोड़ मिले हैं। यस 50 करोड़। तो चलते हैं ये 50 करोड़ लेके अपने घर की तरफ, और अब शिनचैन पिनचैन को बचाते हैं एंड देन अपना फाइनल प्लान यूज़ करूँगा मैं। चलो भाई चलते हैं फटाफट से घर। तो यहाँ ज़रा गाड़ी रोकते हैं। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि भाई घर जाने के बजाय यहाँ क्यों गाड़ी रोकी है मैंने, वेपन स्टोर है ये, मशीन गन खरीदना चाह रहा हूँ मैं। सर जी मशीन गन दे दो ज़रा फटाफट। चलो भाई मशीन गन तो ले ली, अब उन बंदों को बताता हूँ मैं। 50 करोड़ चाहिए ना भाई, 50 करोड़ तो दूंगा शिनचैन पिनचैन और चौक को बचाऊँगा पहले, फिर उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। हैं भाई मेरे से तुम लोग चैलेंज कंप्लीट करवाओगे, मेरे से मैं पूरी दुनिया से भाई पैसे वसूलता हूँ, तुम लोग मेरे से पैसे वसूलोगे, अब देखो क्या हाल करता हूँ मैं तुम लोगों का। चलो भाई चलो
चलो आ गए, फाइनली आ गए घर पे, एंड हियर वी गो। सर जी आपके, अरे सूटकेस रह गया गाड़ी में। सर जी आपका चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, एंड ये है टोटल आपके 50 करोड़। अब तो छोड़ दो शिनचैन पिनचैन को। अरे वाह, मुझे लगा ही था तुम कंप्लीट कर दोगे। साथियों छोड़ दो उन्हें और ये लावा की बाल्टी हटा दो। सर ये आपके पैसे कहाँ रख दूँ मैं? पैसे रख दो जमीन पे रख दो। सर ये टोटल है प्राइज मनी, टोटल है 50 करोड़, एंड थैंक यू शिनचैन पिनचैन और चॉप को छोड़ने के लिए। अरे फाइनली बच गए यार हम लोग। बिल्कुल बच गए सर, आप लोग जा सकते हो। ठीक है तो हम लोग चलते हैं। यस सर जाओ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले। उससे पहले क्या? तुम लोगों को उड़ा देना चाहता हूँ मैं। भाई ये तो गलत बात है, ये तो सरासर धोखा है। ऐसे ही लोग हैं हम लोग। तुझे क्या लग रहा है भाई टकले, तू ही सबसे ज्यादा होशियार है। मुझे पता था कि तुम लोग भाई एक नंबर के नालायक हो, तुम लोग जरूर धोखा दोगे, इसीलिए मैं तैयारी करके आया था बेटा। तेरी ऐसी की तैसी, चलाओ बे गोलियां। कौन सा चलाएगा गोलियां? गोली चलाने से पहले ही तुम लोगों को खत्म कर दूंगा मैं। बोलो 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 बोलो, बोल बे बोल बे बोलो। निकल गई हवा, निकल गई हवा भाई, बोलो जरा। कौन सा बोलना चाहेगा, कौन सा बोलना चाहेगा भाई, कौन सा? ओ तू तू अभी बचा हुआ है बे, तेरी निकल। खत्म खत्म भाई खत्म। अरे फैमिया तुम्हें कैसे पता था यार ये लोग धोखा देंगे? अबे ऐसे लोग भाई कभी ऐसा हुआ है कि धोखा ना दे? ये लोग हमेशा ही धोखा देते हैं। मुझे पता था जैसे ही इन्हें पैसे मिलेंगे गाइज ये लोग हमें उड़ा देने वाले हैं, एंड फिर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए वेपन्स का जुगाड़ कर लिया था मैंने आते हुए, सीधे मशीन गन लाया था मैं, ताकि अगर चारों तरफ से भी हमला हो तब हमला करने का इन्हें मैं मौका ही ना दूँ। एंड ऐसा ही हुआ, उड़ा दिए भाई मशीन गन से। 50 करोड़ भी अपने, शिनचैन पिनचैन और चॉप भी बच गए, और ये लोग भी निकल गए। फिलहाल लेस्टर को बोल के ये सब हटवा दूंगा मैं, इनकी बॉडीज। बाकी गाइस आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।